गाइड। दोस्तों, यूएसबी डिवाइसेस के बारे में आज हम बात करेंगे। यूएसबी डिवाइस समटाइम्स क्या होता है कि हम जब यूएसबी पोर्ट पर अपन कोई यूएसबी पेन ड्राइव या कुछ इंस्टॉल करते हैं तो वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाती और नीचे राइट साइड में एरर आता है कि यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज। तो इसके हम पॉसिबल सॉल्यूशंस के लिए बात करेंगे। सबसे पहले इस तरह की दिक्कत आती है तो आपको सबसे पहले उस डिवाइस को किसी दूसरे पोर्ट पर एक बार लगाकर इंस्टॉल कर देखना है कि वो इंस्टॉल होता है नहीं होता, क्योंकि जनरली क्या होता है कि यूएसबी पोर्ट यूएसबी ड्राइवर्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं विंडोज़ इंस्टॉलेशन के टाइम में, तो हमें जनरली उसके ड्राइवर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभार इन स्पेसिफिक केस में हमें ड्राइवर अपडेट करना पड़ जाता है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइस को दूसरे पोर्ट पर इंस्टॉल करके देखेंगे। अगर वो इंस्टॉल हो जाता है, चल जाता है, तो सिंपली आप जो यूएसबी पोर्ट नहीं चल रहा है उसको किसी ब्रश से क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों, मॉइस्चर की वजह से प्लस डस्ट की वजह से कई बार अनयूज्ड पोर्ट जो कुछ दिन तक यूज़ नहीं हो पाते, यूज़ नहीं होते, उनमें इस तरह की इशू आ जाता है। तो उसको हम क्लीन करेंगे, उसके बाद वो डिवाइस आपका उस पोर्ट पर चल जाएगा। और अगर इन केस अगर ऐसा नहीं हो पाता बाई चांस, तो आप किसी दूसरे पोर्ट पर, जैसे हम बात कर रहे थे कि कीबोर्ड माउस वगैरह, उन सभी को डिसकनेक्ट कर दें जो जो उसमें दूसरे यूएसबी पोर्ट पर इंस्टॉल थे, और आप उनको एक एक करके सिंपली इंस्टॉल कनेक्ट करें यूएसबी से। कई बार क्या होता है कि आपके डिवाइस में सिस्टम पे 4 या 5 यूएसबी पोर्ट होते हैं, तो 2 या 3 पोर्ट पर डिवाइस कनेक्ट होने के बाद जब आप उस पर कनेक्ट करते हैं किसी और डिवाइस को, तो ड्राइवर में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो वो ना हो इसकी वजह से आप एक सभी को अनइंस्टॉल कर लें और एक एक करके आप इसको इंस्टॉल करें। ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन होगा और इससे काफ़ी हद तक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसका एक सॉल्यूशन और ये हो सकता है कि आप एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करके, तो भी चांस है कि आपका डिवाइस चल जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा इसमें हम कंट्रोल पैनल के अंदर भी एक इसकी सेटिंग होती है, कंट्रोल पैनल, पावर ऑप्शंस बैलेंस्ड है इसके अंदर, प्लान सेटिंग, चेंज एडवांस्ड पावर ऑप्शंस, यूएसबी डिवाइस। इसको आप एक बार इनेबल या डिसेबल करके, अप्लाई ओके करके देख सकते हैं। इनेबल है तो डिसेबल कर लीजिएगा, डिसेबल है तो इनेबल करके देख लीजिएगा। अगर इन सभी सॉल्यूशंस पॉसिबल सॉल्यूशंस से आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, तो फिर हमें इसके ड्राइवर्स को अपडेट करना होगा। ड्राइवर्स को अपडेट करने के लिए दोस्तों, राइट माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके मैनेज पे जाइए, डिवाइस होगा, यहाँ पे आपको जो भी ड्राइवर्स आपको शो कर रहे होंगे उस पर आप अपडेट करेंगे। सर्च ऑटोमेटिकली डिवाइस ड्राइवर इस तरह से अपडेट कर देंगे, और जो भी ड्राइवर नेट कनेक्ट होना चाहिए, जो भी डिवाइस ड्राइवर होगा वो ऑटोमेटिकली अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो ये कर सकते हैं। अगर इन केस अगर किसी पे आपको येलो कलर का इस तरह का एक्सक्लेमेशन का साइन दिखाई दे रहा, तो आप उसको अनइंस्टॉल कर लें, एक बार अनइंस्टॉल कर दें और उसको एक बार रिफ्रेश कर दें, या दोबारा से आप देखेंगे कि उस पर इंस्टॉल हो जाएगा कुछ टाइम बाद। तो ये दोस्तों, ये पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं इसके, और आपको मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि 110% आपका डिवाइस चल जाएगा। इसलिए ये पॉसिबल सॉल्यूशंस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। और दोस्तों, इसके अलावा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस तरह की वीडियोस मैं इसमें डालता रहता हूँ, और आगे कुछ और बड़ी अच्छी और इम्पॉर्टेंट वीडियोस मैं डालने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ड्राइवर्स विंडोज़ के आप अपडेट करना चाहते हो, तो गूगल पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं ड्राइवर पैक सॉल्यूशंस, ये वेबसाइट खुलेगी, आप यहाँ से क्लिक करके सीधे सिंपली विंडोज़ के ड्राइवर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि कितने ड्राइवर्स इंस्टॉल हैं और कितने कैन बी अपडेट, मतलब उनको अपडेट किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।